एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मल्टीप्लाई। ए 145 इज मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 72। सबसे पहले हम इसे रिटन डाउन करने का प्रोसेस देखेंगे। 145 देन 72, इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टीप्लाई है नंबर विद वंस प्लेस वाले नंबर। हम गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वंस प्लेस वाले नंबर को। आप हमेशा लेफ्ट राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। पहले इसके वंस प्लेस वैल्यू इज 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10 1 कैरी फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर? आप कैरी कभी भी राइट डाउन करते हो बेटा पेंसिल से ही करना, पेन से ही मत करना, क्योंकि आप अपना कैरी फॉरवर्ड कर दोगे फिर आपको इरेज करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं तो वही नहीं कहता हूं, आप पेंसिल से ही मत करना। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9। इज दैट क्लियर? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2। जैसे ही आप 1 का प्रोसेस क्लोज कर दोगे इस कैरी को आप इरेज कर दोगे। इज दैट क्लियर? वंस प्लेस वैल्यू के नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते ही आप ऊपर से जितनी भी कैरी होंगी सबको इरेज कर दोगे। नाउ हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हमको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहां पुट करना होगा वंस प्लेस वैल्यू के नीचे। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 इज 35, 3 कैरी फॉरवर्ड। कैरी को सेम प्रोसेस करें, ऐसे नहीं कि आप 5 को कैरी यहां नहीं यहां लगा रहे हो। 5 जैसे आप यहां इस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस ही इस डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 5 का 35, 35 को 5 कैरी फॉरवर्ड। नंबर तो यही है ना, इसकी कैरी नेक्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड होगी, तो नेक्स्ट नंबर इज 4, तो 4 पे कैरी फॉरवर्ड होगी। ओके, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 1 3 कैरी फॉरवर्ड। ओके, 7 1 जा 7 प्लस 3 10। 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स के बाद आप ये लॉ क्लोज करते हैं। एडिशन का सिंबल लगाएंगे, इनकेस आपको ऐड करना है। 0 9 प्लस 5 14, 14 4 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 0 1। इज दैट क्लियर? 10,440 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर E, क्वेश्चन नंबर E इज 258 इज मल्टीप्लाई बाय 145। थ्री डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? सेम प्रोसेस ही है। Five is the 30, five is the
27 to carry 400. 5. 4 to that 8. 8 plus 2, 10. Done? You have